अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं उम्मीद है। मैं हूं आपका दोस्त और भाई और जो मर्जी कह लें, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मकबूल बलोच जी। आज आपके लिए एक आर्टिकल लेके आए हैं जी, बहुत अच्छे मटेरियल में है, बटरफ्लाई आर्टिकल है बच्चियों का, बेबीज़ का। और मटेरियल इसका लेदर टाइप में है जी, बिल्कुल नरम सा मटेरियल है इसका, इंपोर्टेड है इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की वो इंपोर्टेड है, और बना जो है ये अपर और सोल जो पेस्ट हुआ है वो पाकिस्तानी है। ठीक हो गया जी, आप इसकी लुक देख सकते हैं जूते की, बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह इसकी प्राइस भी ज़बरदस्त है, पिछले साल का आर्टिकल है, पिछले साल थोड़ी सी कम थी महंगाई तो उस वक्त का ये आर्टिकल है, अब इसकी प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, 1250 इसकी प्राइस है जी। और मैंने जो है इसकी 1250 प्राइस सेल प्राइस लगाई हुई है, डिस्काउंट इस पर लगाया हुआ है मैंने, अगर कोई लेना चाहता हो तो ले सकता है। सब्सक्राइब कर दें, मेहरबानी आपकी। सोल देख सकते हैं आप, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं आप, इसकी कोई कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसका। उन्होंने जो एक आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ, देखें ये इसका अपर, ये पकड़ा हुआ जो है ये मैं अपर इसको बोलते हैं, ये अपर होता है, ये इसके ऊपर बकल है जी, इसको बकल बोलते हैं, ये जो तितली वाला है इसको बटरफ्लाई। कि नीचे देखें जी आप, इसको देख सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी बड़ा पक्का काम करते हैं, तो बिल्कुल पक्का काम हुआ हुआ है उन्होंने। नीचे इसके मेरे ख्याल से वो नहीं लग सकती थी पिन, इसलिए उन्होंने धागे के साथ सिलाई की हुई है, और बड़ी पक्की सिलाई है जी। मटेरियल बहुत अच्छा है, नरम है, बच्चों के लिए जाहिर सी बात है बहुत नरम चाहिए होता है, नहीं तो बच्चों का तो एलर्जी वगैरह का मसला भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी सोल्यूशन में जो नज़र आ गई, ये थोड़ी सी जो है ना इस तरह हुई हुई है, इन्होंने सोल को काट के इसके अंदर ये डाला हुआ है, इसका अपर ये जो ऊपर से ग्रिपें हैं ये अंदर डली हुई हैं, ये देखें ना, ये इन्होंने इसको काट के अंदर डाला हुआ है, ये देखिए, समझ आ गई होगी आपको। पीछे से कोई वो निशान नहीं है कि सिलाई का कोई निशान हो, या वैसे चेपी लगी हुई है जी, इम्पोर्टेड लेवल की चेपी है, इसको भी कुछ नहीं होता बिल्कुल। ये बाज़ लोग कहते हैं कि ख़राब हो जाती है जी, हमारी तो पानी में आज तक मुझे क्लेम नहीं आया, हर बंदा कहता है जी ख़राब हो जाता है, मुझे आज तक क्लेम नहीं आया चेपी का, कि उन्होंने कहा कि ये जी चिर ख़राब हो जाती है भाईजान, चिर ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या जी, मेरे कोल तो अजे तक कोई क्लेम आया नहीं है ऐसा, कहते हैं नहीं जी ख़राब हो जाती है। मैंने कहा ठीक है जी, आप ले जाएं हमारे पास, अगर चेपी ख़राब हो जाती है तो मैं आपसे ले लूँगा शूज़ वापस, फ्री आपको जो है ना आपके पैसे वापस कर दूँगा। तो देख सकते हैं इसकी आप फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, असल फिनिशिंग होती है जो इसकी सोल और अपर के साथ जो पेस्टिंग होती है उसकी फिनिशिंग होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें कोई किसी किस्म का कोई जो है ना वो नहीं है, ना स्पेस है ना उसके अंदर सोल्यूशन। ये थोड़ी सी दो जगह से मुझे नज़र आई थी, देखें दूसरे पाँव में भी धागा लगा हुआ है, ऊपर सिलाई हुई हुई है, और देखें जी हाँ जी, बाकी इसकी आप लुक देखें, ये जो लेडीज़ हैं मॉम्स हैं इनको तो फिर बहुत पसंद आता है, इनको पता होता है, दुकानदार से भी ज़्यादा जो है ना वो इनको पता होता है माओं को। ये देखें जी, बिल्कुल सोल और अपर का पता ही नहीं चल रहा कि लगा भी हुआ है कि नहीं, लेकिन आप कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि सोल और उसका जो अंदर पतावा सा है आप कह लें वो अलग है, और फिर ऊपर से अपर ये जिधर से मैंने पकड़ा हुआ है ये अंदर अलग डाला हुआ है उन्होंने। सोल की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, बड़ा मज़े का सोल है, अनवेटेड शूज़ है, इसका कोई वेट नहीं है। पीछे देखें ये इम्पोर्टेड सोल का आपको कार्टून सा बना हुआ है पूरा, इसका सोल फ्लेक्सिबल बहुत है जी, देख सकते हैं आप, और हल्का फुल्का है वेट में, बिल्कुल हल्का फुल्का है।
1250 इसका रेट है। डिस्काउंट भी मैंने लगाया हुआ है, ये 1050 का मिलेगा आपको। बाकी डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे। अगर आपने लेने हो तो मोस्ट वेलकम, अगर कहीं और से लेने हैं तो आप ज़रूर लें। और ये चीज़ें लाजमी देख लिया करें, स्पेस ना हो, एक्स्ट्रा ग्लू ना हो, डिज़ाइनिंग आपको पता है आपकी पसंद की, वो तो आपने लेनी है। बकल देख लिया करें, मटेरियल पे नाखून मार के देख लिया करें। हाँ जी, ये चीज़ ये फुल इम्पोर्टेड शूज़ है जी। इसका फुल जो है आप कह लें कि ये डब्बे में बंद हो के बाहर से इधर आया हुआ है पाकिस्तान में। और इसकी 100 रुपया 150 रुपया तो इसकी होती है, सिर्फ खाली टैक्स होता है। देख सकते हैं आप इसका भी मटेरियल बहुत नरम और बड़ा लेदर टाइप है, लेकिन ये लेदर होती नहीं है, ये लेदर होती नहीं है क्योंकि ये बाहर की जो है, मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि ये एक्सपायर हो जाते हैं, लेदर कभी एक्सपायर नहीं होती। और ये एक साल में होते हैं, चले लेदर हो जाती होगी एक्सपायर, लेकिन वो 5-7 साल के बाद एक्सपायर होती है। ये एक्सपायर हो जाती है एक से दूसरे साल। हाँ, अगर आपने डाल लिया तो डाल लिया, ठीक है, नहीं डाला तो फिर वो एक्सपायर होती है। देखिए लुक जी इसकी बहुत बेहतरीन है। ये बकल एक डिज़ाइन के लिए लगाया हुआ है, लेकिन वही लगी हुई है, इसकी भी चिर सी। नीचे इन्होंने सिलाई लगाई है, ऊपर वाले जो बकल टाइप एक उन्होंने आगे से टाई सी लगाई हुई है, उसकी लगाई हुई है जो उन्होंने। और सेम पतावा जो है, एक ये चीज़ है देखें आप, ये जो सिलाई लगी हुई है ना चारों तरफ, ये बड़ी प्यारी चीज़ है। ये जैसे वो ओवरलॉक करते हैं ना सूट को, बिल्कुल वो चीज़ है। फूल देखें बड़े क्यूट क्यूट छोटे से लगे हुए हैं। मेरा ये फेवरेट आर्टिकल है। इसकी भी प्राइस सेम है। ये देखें फूल का उन्होंने नीचे से बक्कल लगाया हुआ है, ये अच्छी बात है, इम्पोर्टेड शूज़ में इन्होंने अच्छा काम किया। लुक इसकी मुझे तो बहुत पसंद थी, लेकिन इसका कस्टमर की तरफ से पता नहीं क्यों नहीं रिस्पांस आया। हालांकि बड़ा प्यारा जूता था, और उस जूते से ज़्यादा ये जो है, ये बड़े साइज़ में आया, वो 21 से 25 में आया, ये 26 से 30 में आया। बाकी सोल इसका भी देख लें आप, बिल्कुल नरम सा है जी सोल, बिल्कुल सॉफ्ट सा और हल्का फुल्का सा जूता है जी। हाँ, बाकी एक चीज़ मैंने देखी है, पता नहीं ये क्यों हुई है, शायद मुझे इन्होंने इम्पोर्टेड बना के दे दी हो, ये भी कोई पता नहीं आता। लेकिन जूता बहुत आला मैार का बना हुआ है, फिनिशिंग इसकी, लेकिन इसमें हवा जो मैं कहता हूँ ना, जैसे दूध में दूध को ऐसे उंडेलें तो उसमें हवा बन जाती है, इसके सोल में मुझे वो नज़र आई हैं छोटे छोटे बबल्स से। वो जो बबल्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर वो नहीं होते ठीक, मतलब वो सोल सस्ता होता है, आप ये समझ लें। ये दुकानदार हजरात के लिए भी और कस्टमर के लिए भी मैं तो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जी। बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे जी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये इसके ब्रांड हैं जी, आप देखें, ये शायद इसका नाम कैडी माओ, जैसे ये बोलते हैं चाइनीज़, वैसा ही जो है ना इन्होंने टैग लगाया हुआ जी। बाकी सर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अल्लाह आपको खुश रखे जी, अल्लाह हाफिज़।